जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और स्वागत है आप सभी का टेक हेडलाइंस के एक नए एपिसोड में, जहां दोस्तों मैं आपको बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग टेक न्यूज बताता हूं। आज तो दोस्तों बहुत ही अच्छे टेक न्यूज आए हैं, जल्दी से आपको सब कुछ बताता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, मैं दोस्तों 20 से भी ज्यादा अपकमिंग स्मार्टफोन्स के बारे में बताया हूँ जो नवंबर के मंथ में लॉन्च होंगे। अगर आप वीडियो नहीं देखे हो तो आई बटन पे दे रहा हूँ, जाके क्लिक करके देखो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और आई बटन के सारे वीडियोस को चेकआउट करिए, बहुत अच्छे वीडियोस बनाता हूँ, आपको जरूर से पसंद आएंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले अपडेट के बारे में। सबसे पहला अपडेट आ रहा है Redmi Buds 3 यूथ एडिशन की तरफ से। ये दोस्तों कल लॉन्च हो गया था। जितने भी स्पेसिफिकेशंस प्राइजेस हैं सब आपको साइड में दिखा रहा हूँ, देख लो यार, अच्छे स्पेक्स दे रहा है और ये बहुत ही जल्द इंडिया में भी लॉन्च होगा। इंडियन अवेलेबिलिटी को लेकर कुछ भी इन्फॉर्मेशन मुझे पता चलेंगे तो मैं आपको बताता रहूंगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट बहुत ही अमेजिंग है। अगला अपडेट आ रहा है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग के दोस्तों जो अपकमिंग प्रोसेसर्स होंगे 3 नैनोमीटर के टेक्नोलॉजी में बेस्ड, जो रैम्स होंगे, जो SSDs होंगे, चिप्स होंगे, उन सब के दोस्तों लाइव इमेजेस आ चुके हैं। देख लो यार, सैमसंग शोकेस करना चालू कर दिया है। ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आपको 2022 के एंड तक नहीं तो 2023 के स्टार्टिंग में दिखाई देंगे। वैसे 2022-23 तक, मतलब कि 23 के स्टार्टिंग में हम लोगों को क्वालकॉम के भी, हुआवे के भी, इन सब के दोस्तों नए नए फ्लैगशिप प्रोसेसर्स देखने को मिलेंगे जो 3 नैनोमीटर के टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होंगे। देखते हैं कुछ और अगर पता चलेगा तो आपको बताऊंगा। वैसे आपको ये सारे प्रोडक्ट्स कैसे लग रहे हैं अपने रिएक्शंस कमेंट करके बताओ। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट काफी इंटरेस्टिंग है। फाइनली फेसबुक अपने पैरेंट कंपनी का नाम अनाउंस कर दिया है, अनवील कर दिया है, मेटा। आप तो सब जानते ही हो, मेटावर्स, मेटा। देखो यार, इससे किसी का नाम चेंज नहीं होगा। मेटा बोले तो मेटा के अंदर सब लोग आ जाएंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, असला सब कुछ उसी के अंदर आएंगे। मेटा दोस्तों एक पैरेंट कंपनी रहेगा, ठीक है ना, जैसे कि फेसबुक बाय मेटा, ठीक है ना, इंस्टाग्राम बाय मेटा, व्हाट्सएप बाय मेटा, ऐसे ही सब कुछ दोस्तों चलेगा। मेटा दोस्तों कह सकते हो एक मेन घर है जिसके अंदर ये सारे लोग रहेंगे। आपका डेटा हमने लपेटा, ठीक है मेटा, आपके क्या रिएक्शन से कमेंट करके बताओ। चाचा गलत हो रहा है। और दोस्तों बहुत सारे चीजें आने वाले हैं यार। मेटा आने वाले टाइम में बहुत तरह तरह की चीजें करेगा अलग अलग फील्ड में। AR VR के क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा वो दोस्तों कह सकते हो नए नए प्रोडक्ट्स और नए नए टेक्नोलॉजीज को लेके आएगा। स्मार्ट वॉचेस, स्मार्टफोन्स, व्हीकल्स, मार्क जुकरबर्ग सर के बहुत सारे प्लान से आने वाले टाइम में। देखते हैं मेटा क्या करता है। आपका डेटा हमने लपेटा, मेटा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट बहुत ही अमेजिंग है। मैं दोस्तों करीबन आपको 2-2.5 महीने से बोलते हुए आ रहा हूँ और आज मेरा बात सच निकल गया। Redmi Note 11 सीरीज के तीनों स्मार्टफोन्स कल रात को लॉन्च हो गए थे, Redmi Note 11, 11 Pro और 11 Pro Plus। कल रात को ही डेडिकेटेड वीडियो बना के अनबॉक्सिंग भी किया हूँ, रिव्यू भी किया हूँ, सारे स्पेक्स भी बताया हूँ, कंपैरिजन भी किया हूँ। आई बटन पे दे रहा हूँ, जल्दी जाकर देखो, आपको सब कुछ अच्छे से पता चल जाएगा। देखो यार, मैं आपको बहुत लंबे टाइम से बोलते हुए आ रहा हूँ कि हमेशा ऐसा ही होते हुए आया है, जब नोट लाइनअप के स्मार्टफोन्स लॉन्च होते हैं तो वो चाइना में अलग स्पेक्स, अलग प्राइस, अलग स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च होते हैं। जो इंडिया में आते हैं अलग स्पेक्स, अलग प्राइस, अलग डिजाइन के साथ आते हैं। मैं हर बार आपको बोलते हुए आ रहा था तो आज एग्जैक्टली वही हुआ है। Redmi Note 11 Pro और Redmi Note 11 Pro Plus ये दोनों स्मार्टफोन्स इंडिया के BIS को क्लियर कर चुके हैं। इंडिया में लॉन्च बहुत ही जल्दी दोस्तों होंगे, लेकिन Xiaomi की ब्रांडिंग के अंदर Xiaomi 11i Redmi Note 11 Pro बन के आ जाएगा, ठीक है ना। और Redmi Note 11 Pro Plus जो है वो Xiaomi 11i Hypercharge के नाम से लॉन्च होगा, ठीक है ना। जैसे कि दोस्तों Redmi Note 9 Pro वो दोस्तों इंडिया में Mi 10i बन के आया था, वैसे ही Redmi Note 11 Pro Mi 11i बन के आ जाएगा। तो कोई नई बात नहीं है, Xiaomi ऑलरेडी ऐसा कई बार कर चुका है। अब आप बोलोगे सुफियान भाई, तब Redmi Note 11 सीरीज इंडिया में लॉन्च होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल होगा, वो दोस्तों आपको जनवरी के आसपास दिखाई देगा। Redmi Note 11 सीरीज के स्मार्टफोन्स कंप्लीटली न्यू डिजाइन, न्यू स्पेसिफिकेशंस के साथ इंडिया में लॉन्च होंगे अगले साल, जो Realme 9 सीरीज के साथ कम्पीट करेंगे। मैं आपको बोला था ना, हर बार ऐसे ही होते हुए आया यार, हम लोगों को नए Redmi Note लाइनअप के स्मार्टफोन्स देखने को मिलेंगे, Redmi Note 11 सीरीज के नए स्मार्टफोन्स। तो खुश हो जाओ यार एंड मनाओ कि वो 5G हो। हाँ, वो 5G ही होंगे क्योंकि Realme 9 सीरीज के तीनों स्मार्टफोन्स 5G होने वाले हैं, तो Redmi Note 11 सीरीज के स्मार्टफोन्स भी 5G होंगे। अब आप बोलेंगे सुफियान भाई, Redmi Note 11 का क्या हो गया, Redmi Note 11 5G? वो इंडिया में Poco M4 Pro 5G के नाम से लॉन्च हो जाएगा।
तो खुश हो जाओ यार, सब कुछ क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है ना। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है जॉन पॉशर की तरफ से। ये दोस्तों बहुत बड़े टिप्सटर हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं वो हमेशा सही होता है। ये दोस्तों बोले हैं जनवरी के 11 तारीख को सैमसंग गैलेक्सी S21 FE लॉन्च हो जाएगा, एंड मैं आपको बहुत टाइम पहले बता भी दिया था। अब दोस्तों ये बोलते हैं सैमसंग गैलेक्सी S22 सीरीज के जो स्मार्टफोन्स होंगे ना, उनके जो प्री ऑर्डर्स होंगे वो फरवरी के सेकेंड वीक में होंगे। मतलब कि आपको फरवरी के मंथ में सैमसंग गैलेक्सी S22 सीरीज के स्मार्टफोन्स लॉन्च होते हुए दिखाई देंगे। तो आपको ये अपडेट कैसा लगा जल्दी से कमेंट करके बताओ। और जितने इन्फॉर्मेशन हैं अभी इतने ही पता चले, कुछ और अगर पता चलेगा तो आपको बताता रहूंगा मैं। और डेट भी कल परसों पता चल जाएगा, जॉन पॉस्टर जैसे बताएंगे मैं आपको बता दूंगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Xiaomi 12 की तरफ से। सबसे पहली बात, ये इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन को क्लियर कर गया है। ये इंडिया में दोस्तों आपको जून जुलाई के आसपास दिखाई देगा 2022 के, अभी बहुत टाइम बाकी है। लेकिन जनवरी के मंथ में ये लॉन्च हो जाएगा चाइना में। Xiaomi 12 का जो दोस्तों फ्रंट लुक होगा ना, उसका टेम्पर ग्लास बार आ चुका है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये स्मार्टफोन सेंटर पंचोल डिस्प्ले के साथ आएगा, क्वाड कर्व डिस्प्ले होगा। और Xiaomi 12 प्रो जो होगा वो दोस्तों शायद आपको अंडर डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी के साथ दिखाई देगा। देखते हैं यार, जितने इन्फॉर्मेशन पता चल रहा है मैं आपको सब बता रहा हूँ, कुछ और अगर पता चलेगा तो बताऊंगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है iQOO 9 की तरफ से। iQOO 9 इंडिया के IMEI डेटाबेस को क्लियर कर गया है। पहली बात, iQOO 9 सीरीज के स्मार्टफोन्स आपको जनवरी या फिर दोस्तों फरवरी की स्टार्टिंग में चाइना में लॉन्च होते हुए दिखाई देंगे। एंड देन उसके बाद आपको अगस्त या सितंबर 2022 के अगस्त या सितंबर तक इंडिया में लॉन्च होते हुए दिखाई देंगे। अभी बहुत टाइम बाकी है, अभी आपको ये नवंबर दिसंबर तक iQOO 8 लेजेंड और iQOO 8 लॉन्च होते हुए दिखाई देंगे। अभी एक साल बाकी है iQOO 9 सीरीज के लिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है iQOO Neo 6 SE के तरफ से। यहाँ पर आपको Snapdragon 778G Plus देखने को मिलेगा। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, Snapdragon 778G को थोड़ा सा ओवरक्लॉक कर दिया Qualcomm और उसको बना दिया Snapdragon 778G Plus, जो दो दिन पहले ही लॉन्च हुआ था। पहले तो यार iQOO Neo 5S को लॉन्च कर दो, उसके बाद iQOO Neo 6 SE पे ध्यान देना, कुछ और अगर पता चलेगा बताऊंगा मैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है रियलमी की तरफ से। रियलमी आज दोस्तों कमाल के ट्रेडमार्क्स किया इंडिया में। रियलमी दोस्तों आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी बनाएगा, ड्राइवरलेस कार भी बनाएगा, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स भी बनाएगा, एंड वो बहुत सारी चीज़ों को प्लान कर रहा है ऑटोमोबाइल सेक्शन में, सेक्टर में, लाइन में, क्षेत्र में, जो कहना कह लो यार। मैं आपको कहा था ना दोस्तों, रियलमी के भी कार्स आपको दिखाई देंगे, स्कूटर्स दिखाई देंगे। अगर स्कूटी लॉन्च किया ना रियलमी, मैं पक्का कोशिश करूंगा उसको खरीदने का, भले ही EMI पे लूंगा लेकिन जरूर कोशिश करूंगा खरीदने का। आप बताओ आपके क्या रिएक्शंस हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है रियलमी 9i की तरफ से। ये इंडिया के IMEI डेटाबेस को क्लियर कर गया है, आपको दिसंबर तक लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा, ये तो फरवरी तक। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है जियो फोन नेक्स्ट की तरफ से। देखो यार, जियो फोन नेक्स्ट 4 नवंबर को तो लॉन्च हो रहा है, लेकिन इसके पूरे के पूरे स्पेसिफिकेशंस, प्राइसेस, बॉक्स की इमेजेस सब कुछ बाहर आ चुके हैं। आप स्पेसिफिकेशंस देख लो यार, वैसे तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ लेकिन देख लो, 6,500 रुपए के आसपास लॉन्च होगा, अच्छे स्पेक्स दे रहा है अगर प्राइस को देखोगे तो। और बॉक्स की इमेजेस भी आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, देख लो यार, बॉक्स तो वैसे ही रहेगा जैसे कि हर स्मार्टफोन्स के होते हैं। एंड आप दोस्तों EMI पे लोगे तो 2,000 रुपए पे करना पड़ेगा आपको, एंड बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स के साथ भी आएगा। तो बस यार, ये कंप्लीट पैकेज जियो फोन नेक्स्ट का 4 नंबर को लॉन्च हो रहा है। डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, स्टे ट्यून करते रहिएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है ओप्पो A16K की तरफ से। इसके दोस्तों रेंडर्स और स्पेसिफिकेशंस बाहर आ चुके हैं, देख लो यार, रेंडर्स देख लो, वैसे ही ओप्पो के जो टिपिकल स्मार्टफोन्स का डिजाइन होता है वैसे ही दिखाई देगा। हीलियो G35 के साथ आएगा, और जितने भी इन्फॉर्मेशन है मैं आपको साइड में स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, देख लो यार, ज्यादा तूफानी स्मार्टफोन नहीं है यार, आपको दिखाई देगा 10,000-11,000 रुपए के आसपास, वही जो टिपिकल ओप्पो के स्मार्टफोन्स स्पेक्स देते हैं वैसे ही देगा, कुछ आपको मजा नहीं आएगा, बेकार स्मार्टफोन है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है मी पैड 5 की तरफ से। ये 1 तारीख को बांग्लादेश में लॉन्च हो रहा है। यार इंडिया में भी तो लॉन्च कर दो, कितना टाइम वेट करवाओगे, कितने लोग कब से वेट कर रहे हैं, इंडिया में भी लॉन्च कर दो यार, इतने करीब आ चुके हो, अब इंडिया में लॉन्च कर ही दो। मी पैड 5 और मी पैड 5 प्रो दोनों को लॉन्च कर दो यार, बहुत लोग वेट कर रहे हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Realme Q3T के तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत ही जल्द चाइना में लॉन्च होगा। बेसिकली जो आपको Realme Q3S स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड कर देता है ना, ये भी आपको सेम टू सेम वैसे ही स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड करेगा, वैसे ही दिखाई देगा। इसका प्राइस होगा 23,400 रुपए। और अगर आप Realme Q3S 5G के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो तो मैं अनबॉक्सिंग भी किया था, आई बटन पे दे रहा हूँ, जाके क्लिक करके देखो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अब देखते हैं यार, मैं Realme से यही कहना चाहता हूँ, अब Realme Q5 सीरीज पे आ जाओ यार, कितना Q3 सीरीज को परेशान करोगे, अब Q5 सीरीज में आ जाओ।
चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट काफी इंटरेस्टिंग है। अगला अपडेट आ रहा है आईकू Z5 Pro 5G और आईकू Neo 5 Pro 5G और Vivo का Y21e, ये तीनों स्मार्टफोन सर्टिफिकेशन पे पकड़े गए हैं, यानी कि ये तीनों स्मार्टफोन बहुत ही जल्द लॉन्च होंगे। देखो यार, सबसे पहली बात, आईकू Z5 Pro भी आने वाला है और आईकू Neo 5 Pro। चलिए दोस्तों बात करते हैं फाइनल अपडेट के बारे में। फाइनल अपडेट आ रहा है ZTE और Huawei की तरफ से। देखो यार, ZTE और Huawei के जितने भी टेलीकम्युनिकेशंस के इक्विपमेंट्स होते हैं वो सब इंडिया में यूज नहीं होते क्योंकि सिक्योरिटी वाला पंगा रहता है, ठीक है ना। ये सेम चीज अमेरिका भी कर दिया है। अमेरिका में भी जितने भी ZTE और Huawei के इक्विपमेंट्स होंगे 5G से रिलेटेड और टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड, उन सबको यूज नहीं किया जाएगा। तो आपको ये अपडेट कैसा लगा जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो दोस्तों बात ये था फाइनल अपडेट। आई होप सो कि आपको आज का टेक न्यूज पसंद आया होगा। अगर आपको दोस्तों आज का टेक न्यूज पसंद आ गया तो इस वीडियो को तुरंत से लाइक कर दो। एम करते हैं 80 लाइक का, जल्दी से कर दो यार। और चैनल पे नया गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और साइड के बेल आइकन को भी दबा दो। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी शेयर करो और मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा टेक न्यूज अच्छा लगा। और मैं ऐसे आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस क्रिएट करता रहता हूं, रात को टेक न्यूज भी देता हूं, तो टेक न्यूज भी जरूर से देखा करो। और मैं मिलता हूं आप सभी से अगले और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो, चलो बाय। We'll be right back.